हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आर्कम से जुड़े हुए एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है और उसी के बारे में। अब ये इन्फॉर्मेशन कितना ज्यादा फायदेमंद है या फिर फायदेमंद नहीं है, ये सारी चीज आप लोगों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन के जो स्पेक्ट्रम है उसके वैलिडिटी अगले महीने यानी कि जुलाई 2021 को खत्म होने जा रहा है और इसी को देखते हुए आर्कॉम के द्वारा एक लेटर लिखा गया है कंसर्न डिपार्टमेंट को और उस लेटर में कहा गया है कि अगले आने वाले 20 सालों तक आर्कॉम के जो स्पेक्ट्रम है उसके वैलिडिटी बढ़ा दिया जाए। यह अच्छी खबर है, लेकिन क्या इसके ऊपर रिपरकशन आया है वो भी तो जानना जरूरी है। तो इससे पहले मैं कह दूं कि आर्कॉम के पास आज के दिन में 18 ऐसे सर्कल हैं जहां पर अपना जो स्पेक्ट्रम है वो उनके पास है। हालांकि इंडिया में टोटल 22 सर्कल हैं और उनमें 18 सर्कलों में रिलायंस कम्युनिकेशन के पास 850 मेगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम अवेलेबल आज के दिन में है। अब दोस्तों, ये पूरी चीज को देखते हुए मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन के थ्रू जो लेटर लिखा गया उसको देखते हुए कंसर्न डिपार्टमेंट यानी कि DOT के तरफ से कहा गया है, पहले आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए कि ओनर कौन है और कंपनी से जुड़े हुए बाकी जितने सारे इंफॉर्मेशन है उन सभी को पहले आप प्रोवाइड कीजिए, उसके बाद ही कंसर्न डिपार्टमेंट यानी कि यहां पर DOT के द्वारा इसके ऊपर कोई भी चीज सोचा जाएगा। हालांकि ये बातें कहने के पीछे जो कारण है वो ये कि रिलायंस कम्युनिकेशन ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो गए हैं और NCLT के पास इनका जो केस है वो पहुंच गया है। तो टेक्निकली आज के दिन में रिलायंस कम्युनिकेशन की ओनर NCLT ही कहा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों 2017 में रिलायंस कम्युनिकेशन के तरफ से जो कमर्शियल बिजनेस है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ एंटरप्राइज बिजनेस ही उनके पास बचा हुआ है और यही है पहला कारण जिसके लिए आर्कॉम के द्वारा ये लेटर लिखा गया है। मतलब आर्कॉम ने जो लेटर लिखे हैं उनमें कुछ एक बजे दिए हैं जिसके तहत उनके जो स्पेक्ट्रम है उसके वैलिडिटी बढ़ा दिया जाए और उसमें जो पहला कारण बताया गया है वो ये कि रिलायंस कम्युनिकेशन आज के दिन में एंटरप्राइज बिजनेस को कटर कर रहा है तो इसी के चलते रिलायंस कम्युनिकेशन के जो स्पेक्ट्रम है उसके वैलिडिटी बढ़ा दिया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट सिर्फ आर्कॉम के लिए नहीं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, हमारे लिए, यहां तक कि गवर्नमेंट के लिए, यहां तक कि बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशन है उन सभी के लिए है और वो है कि फंड। मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन आज के दिन में बहुत ही ज्यादा डेट पर बैठा हुआ है और इसी डेट को वो पे करना चाहेंगे या फिर इसी डेट को कम करने की कोशिश करेंगे तभी अगर रिलायंस कम्युनिकेशन के जो स्पेक्ट्रम है उसके वैलिडिटी बढ़ जाए तब। मतलब स्पेक्ट्रम की वैलिडिटी बढ़ेगा तो रिलायंस कम्युनिकेशन बिजनेस कर पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता शायद वो ये जो डेट है उसको कम कर पाए। ये भी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या वो कर पाएंगे ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात है क्योंकि आज के दिन में एज सच कोई भी बिजनेस रिलायंस कम्युनिकेशन के पास नहीं है जिसके चलते ये कंपनी डेट प्रॉपर तरीके से क्लियर कर पाए और अगर क्लियर ही वो करने की कोशिश करते तो पहले ही इसके ऊपर वो कोई स्टेप ले लेते। हालांकि अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। खैर अगर हम डेट की ही बात करते हैं तो इसके ऊपर कुछ बातें कह दूं। यहां पर कहा जा रहा है कि 57.382 करोड़ रुपीज का डेट ओवरऑल रिलायंस कम्युनिकेशन के पास है और ये डेट 53 एंटिटी या फिर 53 इंस्टीट्यूशन को देना होगा। यहां पर 20,000 से 23,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूशन के लिए ही है। मतलब आप लोग सोच ही सकते हो कि ये डेट के अमाउंट कितना बड़ा है और आज के दिन में आप सभी को पता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन की हालत क्या है कि वो ये डेट दे पाएंगे या फिर नहीं। मेरे हिसाब से छोटी बच्ची को भी अगर हम लोग पूछ लेंगे ना तो वो भी इसके बारे में क्लियर तरीके से बता देगा। अब दोस्तों इसी चीज को देखते हुए बैंकरप्सी कोर्ट फाइल करने के बाद NCLT के तरफ से UBARCL
नाम की एक बॉडी बनाया गया और इसी बॉडी को काम दिया गया कि रिलायंस कम्युनिकेशन के एक्चुअल डेप्थ कितना है उसके कैलकुलेशन करने के लिए। तो UBARCL के द्वारा जो डेट की कैलकुलेशन किया गया वो भी बहुत ही ज्यादा या फिर ह्यूज अमाउंट हम लोग कह सकते हैं, ये 47,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो 57 करोड़ और 47 करोड़, हो सकता है 10,000 करोड़ की डिफरेंस है, लेकिन 47 करोड़ भी क्या रिलायंस कम्युनिकेशन दे पाएंगे आज के दिन में जो सिचुएशन है वो चीज देखते हुए। इसके अलावा और भी एक फैक्टर है जो कि अभी तक मैंने नहीं बताया, वो ये कि जो स्पेक्ट्रम रिलायंस कम्युनिकेशन आज तक यूज कर रहा है इसका जो AMC जो के है वो क्या प्रॉपर तरीके से वो दे पा रहा है, वो भी नहीं दे पा रहा है। हालांकि जितना अमाउंट आज के दिन में रिलायंस कम्युनिकेशन के पास स्पेक्ट्रम चार्जेस के लिए गवर्नमेंट को देना होगा उसके लिए कहा गया है कि आप फ्रंट में आप सिर्फ 5 ही करोड़ रुपए दीजिए, अगर वो दे पाए तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट के तरफ से सोचा जाएगा। खैर देखना होगा कि क्या रिलायंस कम्युनिकेशन के तरफ से 5 करोड़ रुपए भी दे पा रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि आज के दिन में आप सभी को पता है कि रिलायंस ADAG ग्रुप के सिर्फ एक ही हीरो है और वो है रिलायंस पावर, क्योंकि रिलायंस पावर ही एकमात्र ऐसा कंपनी है जो कि आज के दिन में प्रॉफिट में चल रहा है। हालांकि ये बातें भी कहा जा रहा है कि रिलायंस ADAG ग्रुप के और एक कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी आगे आने वाले समय में प्रॉफिट में आ सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेजी से वो अपना लॉसेस को घटा रहा है। इसके अलावा जो डेट है वो भी वो मैनेज कर रहा है, किसी ना किसी एसेट्स को बेचते हुए अपना जो डेट है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आया है। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल वो भी अभी तक लॉस में है, डेट में है, और एक कंपनी रिलायंस कैपिटल के अंदर जिसे हम लोग रिलायंस होम फाइनेंस कहते हैं वो शायद बिक जाएगा तो कुछ पैसा आएगा, लेकिन जो पैसा आएगा वो तो रिलायंस कैपिटल को ठीक करने के लिए लगाया जाएगा। तो फिर बचता क्या है, आरकॉम में कहां से पैसा आएगा, जो पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे या फिर डेट पेमेंट रीपे करने के लिए यूज करेंगे, ऐसा कोई भी जगह अभी या फिर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आरकॉम के ही एक सब्सिडरी कंपनी जो कि रिलायंस के टावर सेक्शन को देखते हैं। यहां पर पिछले दिनों एक इंफॉर्मेशन निकल कर आया था और इसमें क्लियरिटी भी बहुत सारे आ गए हैं कि रिलायंस जियो के तरफ से रिलायंस कम्युनिकेशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीज है टावर सेक्शन उसको खरीद लिया जाएगा करीबन 3,000 करोड़ में। खैर ये डील अगर हो भी जाते हैं तो 3,000 करोड़ रुपए वो अपने कंपनी में एड ऑन कर पाएंगे जिसके थ्रू वो डेट क्लियर कर पाएंगे, लेकिन बाकी के पैसे कहां से आते हैं या फिर कहां से आएंगे ये पूरी चीज है जो कि रिलायंस को आगे चल के मैनेज करना होगा अगर उनको आरकॉम के जो स्पेक्ट्रम है उसके लाइसेंस के डेट वैलिडिटी बढ़ाना है तो। क्या इसके ऊपर आगे क्या होता है और क्या किया जाता है रिलायंस के तरफ से, ये पूरी चीज आप लोगों के और हमारे सामने आगे आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगा और इसके ऊपर वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो पूरी चीज या फिर पूरी घटना हो रहा है इसका इंपैक्ट या फिर इसका इफेक्ट आपको और हमको सभी को आरकॉम के शेयर्स में देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से आरकॉम के शेयर अपर ट्रीज लगाते ही जा रहा है और ये जो इंफॉर्मेशन है इसको देखते हुए आरकॉम के शेयर अगले आने वाले कुछ और कुछ दिनों तक अपर ट्रीज में देखने को मिलेगा, लेकिन क्या ऐसा कोई फंडामेंटल या फिर कोई कंक्रीट स्टेप आरकॉम के द्वारा लिया जा रहा है जिसके तहत आरकॉम के शेयर बाकी में वैल्यूएबल एंटिटी हो गए हैं, मेरे हिसाब से नहीं। बाकी आप लोग इसके ऊपर क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। यही कुछ इन्फॉर्मेशन था, मुझे लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।